Prime Minister Narendra Modi was in Chhattisgarh to campaign ahead of run-up to the assembly polls in the state. Assembly elections are scheduled to be held in Chhattisgarh next week in two phases on November 12 and November 20. The first phase is to be held in the Maoist-affected constituencies of Pistar region that falls in the southern part of the central Indian state. Prime Minister Modi, in his address at Jagdalpur, the headquarters of Pistar district, said, और आपने देखा होगा जो अर्बन माओवादी है वो शहरों में एयर कंडीशन घरों में रहते हैं साफ सुथरे दिखते हैं अच्छे खासे लोगों में बैठने उठने का अपना एक रुतबा बनाते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं लेकिन वहां बैठे बैठे रिमोट सिस्टम से हमारे इन आदिवासी बच्चों की जिंदगी तबाह करने का ये काम करते हैं और एक ऐसी जमात इस चुनाव में लड़ रहे कांग्रेस का लोग जवाब दें कि आप उन अर्बन माओवादियों की रक्षा के लिए बयानबाजी करते हो उनके खिलाफ अगर सरकार कानूनी कार्रवाई करे तो आप उनको बचाने के लिए मैदान में आते हो और यहां आकर के नक्सलवाद के खिलाफ ढूलमूल बातें करके वोट तराशते हो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करना है और जो सपने अटल जी ने देखे थे ना उसको पूरा करने के लिए बार बार छत्तीसगढ़ आया हूं बार बार बस्तर की धरती पर आया हूं और आज भी उस संकल्प को दोबारा आपके सामने दोहराने आया हूं कि मैं अटल जी के सपने पूरे नहीं करूंगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हूं।